नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं दो बातें करने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता रहा हूं। तो यहां पे हमारा फर्स्ट नोटिफिकेशन, आप लोगों के कमेंट ये आते हैं कि सर अगली सुनवाई जयपुर की कब है। तो दोस्तों, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और इंक्लूड है, वो कह रहे हैं सर अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि हाई कोर्ट का कि नेक्स्ट हेयरिंग डेट कब है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो 7 मई 2019 को होना है, यानी कि जयपुर हाई कोर्ट के अंदर 7 मई 2019 को सुनवाई होनी है। तो 7 मई को इसका जो भी निर्णय होगा हाई कोर्ट लेगा। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, आप लोग कुछ लोग ये कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, ये चर्चाएँ चल रही है कि वो पैसे ले रहा है, ये वो कर रहा है, इसके तरफ में चल रहा है वो, हम किसी की तरफ में नहीं चल रहे, ओनली न्यूज अपडेट करते हैं। अब मेन बात हमारा पॉइंट ये है, अब दोस्तों आप लोगों को कहूँगा कि किसी भी यूट्यूब वाले का हो चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसके अंदर गालियाँ मत निकालो। मैंने देखा है, अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे ग्रुप में ऐड किया था, उस ग्रुप के अंदर इतनी गालियाँ आ रही थी किसी के मामले में, चाहे वो कोई भी प्रेजेंट व्यक्ति हो या कोई भी बंदा हो, उसके बारे में कभी भी गालियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी अपनी मानवता को नहीं गिराना चाहिए कि हम कैसे हैं, कभी भी प्रदर्शित नहीं करना है। दोस्तों मैं ये कहूँगा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे किसी भी यूट्यूब वाले का हो, चाहे किसी भी प्रतिद्वंदी या कोई भी व्यक्ति, उस बंदे को गालियाँ तक नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि हम सारे एक ही एग्रीकल्चर के भाई बहन हैं, जो भी है हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। ऐसा हम करने लग गए तो ये समझो कि एग्रीकल्चर एक होनर्स का या प्रोफेशनल डिग्री होने के बावजूद भी अगर आप इस तरह से बिहेवियर करते हो, तो बाकी अदर डिपार्टमेंट वाले तो करने ही करने। अब आप लोगों के डिसीजन है दोस्तों कि आप लोग क्या सोचते हो या क्या नहीं सोचते हो, वो मुझे नहीं पता। अब आप लोगों का मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करना, डिसलाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कैसे करते हो या किस तरह से करते हो, वो आप लोग करना। और बाकी आप लोगों को ये न्यूज़ मेरी गलत लगती है तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, साफ तौर पे ये यहाँ पे साफ तौर पे अविनाश कुमार शर्मा ये याचिका करता है जिन्होंने लगाई थी, और यहाँ पे है एडवोकेट है, यहाँ पे मनीष पारिक है, और बाकी कोई ऐसा डिटेल है फिलिंग डेट है वो यहाँ पे दी गई है, अच्छा वो अलग चीज़ है। अगर आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि ये मेन केस नंबर क्या है, किस तरह से है, तो ये जयपुर हाई कोर्ट ब्रांच की जो जयपुर की ऑफिशियल साइट है उस पे ये 17/71/2019 लगा के आप केस नंबर ये देख सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना सा टॉपिक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।